नागरिकों, आज संपूर्ण मानव जाति के समक्ष आपदा की घड़ी है। हमारे धैर्य, संयम और संकल्प की परीक्षा है। 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। धर्म और सत्य की रक्षा हेतु पांडव कौरवों से युद्ध करने उनके विरुद्ध खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में वो महायुद्ध 18 दिन चला था और अंततः विजय सत्य और धर्म की ही हुई थी। पांडव वो युद्ध इसलिए जीते थे क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की हर आज्ञा का पालन किया था। दोस्तों, वो द्वापर युग था, परंतु आज कलयुग है। उस वक्त शत्रु कौरव थे और आज शत्रु कोरोना है। आज फिर एक महासंग्राम छिड़ा है, जीवन और मृत्यु का। वो 18 दिन का युद्ध था और वो हो सकता है कि हमारा ये युद्ध 21 दिन से ज्यादा का भी युद्ध हो। हमारे इस युद्ध के नीति निर्णायक हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार। हमें उनकी हर आज्ञा का, उनके हर निर्देश का सख्ती से पालन करना है। दोस्तों, ये सख्ती है क्या? ये सख्ती है केवल अपने घर के अंदर रहना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना, अपने हाथ साबुन से बार बार धोते रहना, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। दोस्तों, हमें इस युग के शत्रु कौरव अर्थात कोरोना को हराना है, उसका वध कर उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो आओ दोस्तों, हम सभी भारतीय प्रतिज्ञाबद्ध होकर शपथ लें कि हम इस दुर्धर्ष दुर्योधन कोरोना को अवश्य परास्त करेंगे, उसे शिकस्त देंगे और पूरे विश्व को अपनी आत्मशक्ति का परिचय देंगे। जय भारत, जय भारती।